कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने के इस अंक में दोस्तों हम आपकी मुलाकात एक बहुत अजीम शख्सियत से कराने वाले हैं, जो कि एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में जिनकी तूती बोलती है, और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सनालिटी और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइस चांसलर साहब हैं। और उन वाइस चांसलर साहब के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं होलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि समग्र रूप में जो विकसित एक पर्सनैलिटी होती है उस पर्सनैलिटी के ऊपर आज चर्चा होगी। मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। आपका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, यानी डॉक्टर आईवी त्रिवेदी, जो कि उदयपुर में हैं। इनके एक्स्ट्रॉर्डनरी होने का एक खास मैं बात ये बता दूं कि जहां ये पढ़े वहीं से इन्होंने नौकरी शुरू की और फिर गोल्ड मेडल लिया, और फिर उसके बाद जो है ये वहीं वाइस चांसलर बन गए। लेकिन सिर्फ वाइस चांसलर, वहाँ एक टर्म नहीं, कंसेक्यूटिव टू इयर्स 2010 से 2016 तक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो कि उदयपुर में राजस्थान में है और शायद राजस्थान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में इसको गिना जाता है, क्योंकि नैक में भी सबसे पहला एक्रेडिटेशन इनको मिला था। वहाँ के आप वाइस चांसलर रहे और आज भी आप वाइस चांसलर हैं गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान में। तो इतनी लंबी इनिंग्स खेलने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है एक एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइस चांसलर बन जाता है। वाइस चांसलर साहब जो हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका 40 साल का एक गहन एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन एक और एक्स्ट्रॉर्डनरी इनकी बात वो ये है कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट रहे हैं, कॉमर्स की बैकग्राउंड के रहे हैं, और बहुत किताबें लिखी हैं, बहुत आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कमेटियां जो की हैं, चाहे वो UGC की है, चाहे MBA की है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे NAC की हो, सब में आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है, चाहे वो UPSC हो। लेकिन एक्स्ट्रॉर्डनरी होने की बात यह है कि आप हमेशा हंसते हैं, विट और ह्यूमर, और उससे भी बड़ी ये बात है कि वो गाना बहुत गाते हैं, और सबको कहते हैं कि गाना गा गा के आप जियो, क्योंकि उससे माधुर्य पैदा होता है, मेलोडी पैदा होती है, आपके अंदर जो है ऐसी फीलिंग्स पैदा होती हैं कि आप खुश होकर अपने समाज की सेवा कर सकते हैं और पूरी दुनिया में एक पैगाम दे सकते हैं वर्ल्ड पीस का और हार्मनी का। लेट अस वेलकम टुडे इन आवर मिड्स प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी साहब, वाइस चांसलर साहब। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम इस्तकबाल और आपका स्वागत और अभिनंदन है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए कि मैंने अभी आपके बारे में मुख्तसर सा एक मैंने आपकी बैकग्राउंड बताई, मैं ये चाहूंगा कि हमारे बोलते आईने के जितने दर्शक हैं उनको भी आप अपने लफ्जों में बताइए कि आपके जीवन जो है कैसे शुरू हुआ और अभी तक की क्या स्टेज रही है, और आप गाना गा के, क्योंकि सिंगिंग वाइस चांसलर आपका खिताब मिला हुआ है, जब भी आप जाते हैं गाने गा गा के विट और ह्यूमर में और सीरियस पैगाम भी दे देते हैं, यानी कि लर्निंग विद फन, तो प्लीज बताइएगा सर। धन्यवाद देवी साहब। जहां तक मेरे, अगर मैं पूरी जीवन को मैं पीछे से देखता हूं तो मेरा जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है, और जब मैंने शिक्षा में प्रवेश किया जी। तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इतने ऊंचे पद पर पहुंचूंगा। मैं बांसवाड़ा से आकर के उदयपुर में मैंने MBA कॉलेज में एडमिशन लिया जी। मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की, MCOM में गोल्ड मेडलिस्ट रहा निश्चित तौर पर जी। और फिर मैंने एक निजी महाविद्यालय में अपनी नौकरी प्रारंभ की जी। उसके पश्चात 1982 में मैंने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से भी मेरा चयन बांसवाड़ा में हो गया था गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरे सामने बड़ी दुविधा थी कि मैं अपने घर पर चला जाऊं या विश्वविद्यालय में नौकरी करूं,
लेकिन मुझे मेरे गुरु ने सीख राय दी और मैं विश्वविद्यालय में रहा। मैंने विश्वविद्यालय में रहते हुए जो भी कार्य मुझे दिया गया, मुझे कहते हुए गर्व है कि मैं कभी भी कक्षा में एक मिनट भी लेट नहीं हुआ। क्या बात है। और मैंने जो भी दायित्व तो मुझे विश्वविद्यालय ने दिया, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना में उदयपुर से लेकर के दिल्ली तक शांति सद्भावना यात्रा, एक प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में साइकिल पर हमने निकाली। अच्छा। तब देश में आतंकवादी गतिविधियां थी, पंजाब में अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे थे, तो हम वहां जाकर के लोकसभा अध्यक्ष हमारे बलिराम जाखड़ साहब से मिले थे जी। इसके अलावा भी मुझे चाहे शैक्षणिक गतिविधियां, गैर शैक्षणिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज में विश्वविद्यालय में बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे समय समय पर पदोन्नति भी मिली, मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना, प्रोफेसर बना, डीन महाविद्यालय का बना और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मैं केवल शिकायत भगवान से करता हूँ, देख ही करता हूँ, मुझे गाने का बड़ा शौक है लेकिन मुझे वो अच्छा गला नहीं दिया, तो मैं गा तो लेता हूँ लेकिन वो जो मुझे सैमसन डेविस जैसा गला है ना, वो नहीं मिला मुझे, तो शायद मैं और कुछ अच्छा गाता। सर मेरी आपसे बहुत निवेदन है, कर बात तमाम हमारे बोलते हैं कि जितने दर्शक हैं, एक गाना जरूर गाइए जो अक्सर आप गाते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन को, जो बहुत प्रिय गाना है, प्लीज गाके बताइए, अच्छा लगेगा हमें। ओके, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बीते हुए दिन मेरे, बीते हुए दिन, बीते हुए दिन मेरे प्यारे प्यारे चिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, मेरे ख्वाबों के हसीन, मेरे सपनों के नगर, जी लिया जिसने लिए मैंने जीवन का जहर, आज मैं ढूंढू कहाँ खो गए जाने की दर, आज मैं ढूंढू कहाँ खो गए जाने की दर, प्यारे प्यारे दिन वो मेरे प्यारे पल चिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। Fantastic, fabulous सर, कितनी प्यारी ओपनिंग करी आज आपने बोलते आने की इस कड़ी की, और बहुत ही अच्छा लगा सर, एक पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, और खासकर वो पैगाम कि मेरे बचपन के दिन फिर से आ जाए, जिसको शैलेन जी ने लिखा, दूर गगन की छाँव में किशोर दा ने इसको गाया था, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाना लगा सर। ये बताइए कोरोना के दिन में, जी सर कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के समय बहुत सार्थकता है इस गाने की। अरे क्या बात है, कोरोना जो हो रहा है उसके बाद बड़ी सार्थकता है कि वो दिन कितने अच्छे थे, आज हम बंद हैं कमरों में, घरों में, तो ये एक बहुत ही याददाश्त आती है, मुझे बार बार गुनगुनाता हूँ इस गाने को। अरे कि अरे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, कि कोरोना के इस काल के अंदर जो कि हम जी रहे हैं करीबन सवा साल से, तमाम दुनिया जो परेशान है और तमाम दुनिया अपने किवाड़ बंद करके घरों में बैठे हुए हैं, और वो बचपना जो हम खुले मैदान में रहते थे, ऊपर से बादल, धूप, छांव और म्यूजिक बज रहा है, पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, या कि शैतानियां कर रहे हैं, नटखटपना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सब खत्म। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा आपने गाना पेश करा। सर मुझे ये बात बताइएगा कि हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी या समग्र रूप में जो विकसित पर्सनैलिटी है, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए ताकि हमारे दर्शक जानना चाहें? सर देखिए, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट एक ऐसा बजवर्ड है जिसमें कई चीजें शामिल है जी, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारी की सारी ताकतें मिलाकर के व्यक्तित्व बनता है जिसको कि हम होलिस्टिक पर्सनैलिटी कहते हैं। और शिक्षा में जब हम बात करें तो माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी ही कैन बी ए गुड टीचर आल्सो। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इंक्लूड सो मेनी थिंग्स, मेनली इमोशनलिटी वन शुड हैव, वन शुड हैव द फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, एज वेल एज ही शुड हैव द वेरियस पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, गेम्स, दीज ऑल इंक्लूड्स इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। एंड नाउ द नीड ऑफ द आवर, समय की मांग यह है कि एक शिक्षक पूरा का पूरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रखे जो छात्र को इन सभी गुणों से प्रभावित कर सके। माइंड, बॉडी और सोल में जब तक एक रूपता नहीं है, तब तक ही कैन नॉट बी ए गुड टीचर। टू बी ए गुड टीचर, एक अच्छे टीचर होने के लिए, होलिस्टिक पर्सनैलिटी होने के लिए, ये सब चीजें जरूरी है, मॉरल भी हो उसमें, इमोशनल अटैचमेंट भी हो उसके पर्सनैलिटी में, फिजिकल भी फिट हो वो, और मेंटल भी साउंड हो। सो दिस इंक्लूड्स इन द होलिस्टिक पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। वेरी करेक्ट। तो यह एक बहुत जरूरी है, और नई शिक्षा नीति में जो बातें कही गई है
उसमें इसकी बहुत अहम आवश्यकता है। नहीं, बहुत बड़ी बात है। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति जो है सर, उसमें मैं अभी आता हूँ, लेकिन उससे पेशतर, क्योंकि आपने इतनी कम शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह दी, मुझे आपका तमाम जो बैकग्राउंडर देखने के बाद ऐसा लगा था आपने बहुत बड़े बड़े नेशनल से लेकर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स आयोजित करे, चाहे वो साउथ एशियन यूथ फेस्टिवल था, या वेस्ट जोन वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस थी, या वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल था, ये तो काफ़ी चीज़ें आपने कराई। लेकिन इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप ऐसे बड़े लोगों से मिले सर, जिनको हम VIPs भी बोलते हैं, लेकिन उनकी सादगी के बारे में एक बारी आपने मुझे बताया था, आप खुद अपने मुंह से बताइएगा सर कि कैसे, कौन से बड़े बड़े, जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, या प्राइम मिनिस्टर हैं, या गवर्नर हैं, इन तमाम लोगों से मिले और उनके साथ बैठ के आपने चर्चाएं करी और उनसे क्या क्या सीखने को मिला, कुछ प्लीज आप शेयर कीजिए सर। बहुत ही अच्छी बात आपने कही और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है, गर्व भी है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं बहुत अच्छा डिबेटर था। अच्छा। उस समय हमारे लिए ये भी कल्पना नहीं थी कि हम कभी कुलपति को देख भी सकते हैं। लोग कहते थे कुलपति को देखने के लिए हम कभी कभी देखते थे, हम कैसे मिल सकते हैं कुलपति से, तो लोग कहते थे 15 अगस्त के दिन वो आते हैं फंक्शन, हाँ आप जरूर खड़े रहिए तो आपको कुलपति देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति थी। और मुझे जब डिबेट कॉम्पिटिशन में, वेन आई वॉन द यूनिवर्सिटी डिबेट कॉम्पिटिशन में प्राइज, देट वॉज गिवन बाई द वाइस चांसलर, तो आई वॉज सो करेजियस, देन वाइस चांसलर आस्क मी सम क्वेश्चंस एंड आई वेरी बोल्डली रिप्लाई। तो उस वो दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था कि मैं साहस कर सका। जब मैं गांव से आया था, मेरी शिक्षा बहुत छोटे छोटे गांवों में हुई, जहां पर कि मेरी सारी एजुकेशन ट्राइबल एरिया में हुई प्राइमरी तक, तो उस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी, तो देट वॉज द बिग डे फॉर मी इन 1973, देट वॉज द बिग डे। तो उसके बाद सौभाग्य से मुझे जब कुलपति बनने का मौका मिला, इसके बाद पहले मैं डीन भी बना, तो देन आई स्टार्टेड डूइंग कॉन्फ्रेंसेस, तो उसमें मुझे गवर्नर को आमंत्रित करने का मौका मिला। मेरे बलिराम भगत जी को मैं मिलने गया, उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया, सच ए नाइस एंड सिंपल मैन। फिर मनमोहन सिंह जी ने तो मुझे गजब ही कर दिया, जब मैं उनको हमारी इंटरनेशनल ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस के लिए मैं इनवाइट करने गया चीफ गेस्ट के लिए, तो आई वाज वेरी इमोशनली चार्ज कि एक आदमी ये भी हो सकता है कि अपनी चेयर छोड़ करके और वो अपने सोफे पे आइए प्रोफेसर साहब, मतलब ही हैड अ गुड रेस्पेक्ट फॉर द टीचर्स, और अपनी चेयर छोड़ करके कि नहीं टीचर विल नॉट सिट बिफोर मी, आप आइए सोफे पे अपन साथ बैठते हैं। और वहां पर उन्होंने जो बातें की, क्या सब्जेक्ट है, किस पर करना चाहते हैं, क्या आपका थीम है, जनरली बहुत कम आते थे, लेकिन आई डोंट नो कोई जादू हुआ कि एग्री टू कम, और वह एक दिन पहले आ गए। हमारा 18 अक्टूबर 2002 को ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन था, ही केम वन डे बिफोर, और वो छोटी सी अटैची लेकर के आए थे। फिर हमने एयरपोर्ट से रिसीव करते समय उनके हाथ से अटैची लेनी चाहिए, उनका सॉरी दैट आई विल पिक, इट्स माय लगेज, आई विल पिक मायसेल्फ। और उसके बाद उनका जो सीधापन देखिए कि रात को उनके पास सोनिया जी का टेलीफोन आता है कि आपको कश्मीर जाना है। अच्छा। तो उनका मैडम आई एम इन उदयपुर और अब तो मैं कल दिन में ही निकल पाऊंगा, ये हमारा सौभाग्य था। यदि वह दिल्ली में होते, क्योंकि उनका एक मूड ये था कि मैं सुबह ही चलूं वहां से दिल्ली से, उनका यार ठंड बहुत है, आई कैन नॉट बियर द कोल्ड, तो मैं एक दिन पहले ही आ जाऊंगा। इफ ही वुड हैव नॉट कम वन डे बिफोर, तो 18 को वो नहीं आ सकते थे। तो उनके साथ रहने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, इतना सिंप्लिसिटी जो मुझे उनको देखने को मिली कि एक आदमी में बड़प्पन इतना भी होता है कि उसके लिए सब समान है, और जो प्यार और सम्मान मुझे दिया जब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वही अफेक्शन मुझे दिया। क्या बात है। उसी प्रकार से प्रणब मुखर्जी से मैंने सीखा। प्रणब मुखर्जी का सबसे लास्ट फंक्शन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वाज इन अवर यूनिवर्सिटी, पब्लिक फंक्शन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में लास्ट फंक्शन हमारे वहां था, देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात थी। मैंने उनको मजाक मजाक में कहा भी था, क्योंकि 2002 में मनमोहन सिंह जी और प्रणब मुखर्जी दोनों आए थे हमारे कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने कहा प्रणब मुखर्जी को, सर जो यहाँ आता है वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए, आई विश उस समय इनका चल रहा था कि एंड यू विल बिकम द प्रेसिडेंट, तो देखिए लेटर ऑन ही बिकम द प्रेसिडेंट। इसके अलावा मुझे कई केंद्रीय मंत्रियों से, अजय माकन साहब आपको तो पता ही है, जब आप कल्चरल एक्टिविटी अपने कराई थी, वॉज द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल, ही केम टू विटनेस द इनॉग्रेशन ऑफ द फंक्शन। इसके बाद हमारे ऐसे अनेक राज्यपाल, कल्याण सिंह जी से मिला, शिवराज पाटिल जी से मिला, मार्गरेट अलवा वंडरफुल लेडी, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट, सो फेस्ट शी गेव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मी, उन्होंने कहा कि सारे वाइस चांसलर से मैं जिम्मेदारी आपको देती हूँ कि बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो यह एक जो मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप किया है बड़े बड़े लोगों ने, और मैंने इनसे सीखा सिंप्लिसिटी, कैसे काम किया जाता है, कैसे डाउन टू अर्थ रहा जाता है और किस प्रकार से काम को अंजाम दिया जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कल्याण सिंह जी, मेरे लास्ट जब मेरा टर्म था सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, तो उस समय भी ये चल गया था लुकिंग टू हिज एज, कि उनका मैं मेरा जो ये प्रोग्राम आपके बिल्डिंग्स का उद्घाटन यहीं से करूंगा। इट वॉज ऑन 8 जून 2016, 13 को मेरा टर्म खत्म होने था। कल्याण सिंह जी ने कहा कि इनोग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है, ये आपके फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है। आई एम वेरी हैप्पी, आप दो टर्म से ज्यादा रह नहीं सकते हैं, इसलिए हमको यहाँ से हम विदाई दे रहे हैं। किसी गवर्नर द्वारा किसी वाइस चांसलर को विदाई देना, वो भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। वो क्षण भी मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि आई बिकेम सो इमोशनली चार्ज ऑन दैट डे आल्सो। तो गॉड इज ग्रेट, मैं तो ये मानता हूँ। आई एम ए वेरी सिंपल मैन, आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, बट एट द सेम टाइम आई गॉट द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम सीपी जोशी, इज माई मेंटर। He always encouraged me. Since beginning, he used to tell, you will be vice chancellor one day. I mean, how? I was simply a dean there. Okay, no, no, I am seeing your activities. You will become the vice chancellor one day. So these were the various people who encouraged me, who impressed me, and I learned so many things from these people. Very nice, sir. बहुत ही अच्छा लगा. लेकिन बातों में आपने बात कही कि simplicity, चाहे वो हमारे former प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में बताया, और बातों बातों में आपने ये बात बताई कि जब आप यंग थे एज ए स्टूडेंट, आपके लिए बड़ा मुश्किल था कि, या लोगों के लिए या स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि वाइस चांसलर को देख ले, यानी कभी कभी दिखते थे। ये एक पॉइंट मैं आप जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या ऐसी बात है कि वाइस चांसलर इतनी बड़ी चीज होते हैं कि वो कभी कभी दिखाई दें। ऐसा मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि वाइस चांसलर्स के, जो अच्छे वाइस चांसलर हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक बात। और सेकंडली, वाइस चांसलर्स को तो स्टूडेंट्स के अंदर घुसकर उनके साथ एक पिता की तरीके से या बड़े भाई की तरीके से मिलकर स्टूडेंट के साथ रहना चाहिए, तभी आप बढ़ सकते हैं। ये बड़ी दयनीय एक बात है। और वाइस चांसलर्स जो कि है, एक कुलपति हैं और आप उस परिवार के चीफ हैं, फादर हैं या बड़े भाई हैं, तो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज जो आप देखना या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका इतना तजर्बा है, कितनी लंबी इनिंग्स है वाइस चांसलर के लिए, क्या विशेष क्वालिटीज होनी चाहिए, फीचर्स होनी चाहिए अच्छे वाइस चांसलर के? सर, आपने बहुत ही रिलेवेंट बात कही कि वाइस चांसलर बहुत कम दिखते थे हमारे जमाने में। उसका एक कारण एक तो ये था कि दे यूज्ड टू बी द एकेडमिशियंस ओनली, एडमिनिस्ट्रेशन का काम उनका नहीं होता था। ज्यादातर रजिस्ट्रार्स को ये जिम्मेदारी होती थी कि विश्वविद्यालय को एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाएं। वाइस चांसलर्स का रोल ये था कि वो एकेडमिक लीडरशिप दे यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी में फंड्स कैसे ला सकते हैं, हाउ टू एनकरेज द टीचर्स, टीचर्स की रिसर्च को कैसे बढ़ावा दिया जाए। आई रिमेम्बर व्हेन जीएस महाजनी वाज द वाइस चांसलर ऑफ, उस समय उदयपुर यूनिवर्सिटी कही जाती थी, ही वाज ए बिग मैथमेटिशियन, और उनको बाय इन्विटेशन मोहनलाल सुखाड़िया लाए थे। मोहनलाल सुखाड़िया की तारीफ थी कि जो भी वाइस चांसलर वो लाए, उनको जब भी कोई मिलने आता तो सबसे पहले तो वो कहते नहीं, मैं मिलने आऊंगा वाइस चांसलर। वाइस चांसलर शुड नॉट कम टू चीफ मिनिस्टर्स हाउस, चीफ मिनिस्टर शुड कम टू वाइस चांसलर। और बाई देवे कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी वो आ भी गए तो उनको गेट तक छोड़ने आते थे, और वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे। मुझे याद है किसी सुखाड़िया जी का एक ऐसा मामला था जिसमें लोगों ने कहा सर ये तो वाइस चांसलर को कहना पड़े, उसने कहा आई विल नॉट टेल द वाइस चांसलर, आई कैन नॉट से द वाइस चांसलर, वाइस चांसलर कैन टेल टू मी बट आई कैन नॉट से टू द वाइस चांसलर। तो दोज वर द डेज, धीरे धीरे नंबर ऑफ द कॉलेजेस बढ़े, आपने ठीक कहा, नाउ अ डेज वाइस चांसलर हैज टू मीट द स्टूडेंट्स, ही हैज नो ऑप्शन। लड़कों के साथ रहना, लड़कों के साथ बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, क्योंकि गैप बहुत हो गया। पहले टीचर्स का भी था, डीन्स थे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करते थे, लेकिन अब हालत ऐसी हो गई है जिसमें कि वाइस चांसलर हैज टू बी, कई बार तो कुछ इसके प्रॉब्लम भी हुई है, कुछ समस्याएं भी पैदा हुई है इससे कि आज वाइस चांसलर का प्रोग्राम लड़के तय करते हैं, वाइस चांसलर बाहर जाएगा या नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम होगा या नहीं होगा। और एक ऐसा समय भी देखा मैंने विश्वविद्यालय में, जबकि इतना केओस था कि आज तो कोरोना के कारण एग्जाम आगे बढ़े हैं, एक बार हमारे विश्वविद्यालय में बिना कोरोना के बिना एग्जाम दिए लड़कों ने हड़ताल कर दी, वॉकआउट वाज ए वेरी नॉर्मल कंडीशन। लड़के को चार जो दादा लड़के हैं उनको पेपर नहीं आता है तो उनका पेपर उठो चलिए 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 बाहर, और सारे लड़के बाहर निकल जाते। एग्जाम्स मिलों
कई महीनों चलते थे और पेपर्स नहीं होते थे, इमरजेंसी के पहले की घटना में होता रहा। तो ऐसी स्थिति में वाई चांसलर्स के साथ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती थी, लड़के कई प्रकार की बदतमीजी करते थे। आपने सुना होगा जोधपुर में वीवी जॉन के ऊपर लड़कों ने सिगरेट जलाई उनके सिर पर, कहीं किसी ने बंदूक पिस्तौल उन पर तान दी कई लोगों ने। तो एक समय था ये जिसको कहते हैं केओस था, और जैसा कि कहावत है कि ऑर्डर विल इमर्ज आउट ऑफ डिसऑर्डर। तो जब इतना डिसऑर्डर हुआ कंट्री में सभी जगह आफ्टर 1977 में जब इलेक्शन हुए एक बार, और जब इमरजेंसी से बच्चे फ्री हुए, तो इतना देश का माहौल खराब हुआ जिसमें आपने बिहार का भी देखा, कॉलेजेस भी छोड़े, जेपी मूवमेंट भी चला, कई बातें हुई। तो उस समय वाइस चांसलर को मजबूरन डिसीजन टेकिंग सारा का सारा वाइस चांसलर पर छोड़ दिया जाता, वीसी साहब करेंगे, बिकॉज नोबडी वाज यू कैन से मोरली स्ट्रांग एनफ टू फेस द स्टूडेंट्स अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। मैं ये मानता हूँ आज वाइस चांसलर लड़कों के बीच आना ही पड़ता है, उसको रहना पड़ता है, और कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि लड़कों को समझ सकता है लड़कों। मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई नेवर अफ्रेड टू गो विद द स्टूडेंट। मैं लड़कों के बीच में हमेशा जाता था, पुलिस भी मुझे एडवाइस करती थी प्लीज डोंट गो, मैं इनका कोई बात नहीं, लड़का मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, वो बहस कर सकता है। और कई बार तो ऐसा भी होता था जो टीचर बच्चे भेजते थे ना, ज्यादातर तो टीचर भेजते हैं वाइस चांसलर के पास, तो कहते थे सर हम क्या करें, आपको देख के आधा गुस्सा ठंडा हो जाता है, हमको एक्स ने भेजा वाई ने भेजा। तो अगर अपना हायर एजुकेशन की इन टोटो बात करेंगे तो बहुत कुछ समस्याएं उन सालों में पैदा हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर सुधार इसमें आ रहा है। अब लोग रेस्पॉन्सिबल हो गए, अब आप किसी को कहो कि तेरे को वॉकआउट करना तो कहेगा नहीं करना, मेरा साल थोड़ी खराब करना मुझे। तो सिचुएशन हैज चेंज नाउ, नाउ स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर करेक्ट, अपना करियरिस्ट बन गए, अब उनको अपना दिखाई देता है कि मेरा भविष्य क्या है। तो अब वो ऐसी स्थिति में है ही नहीं, आप चाहे फ्री छोड़ दो लड़का वॉकआउट नहीं करेगा, हिंदी की जगह अंग्रेजी का पेपर दे दो तो भी कहेगा वॉकआउट नहीं करना सर, आप क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो टाइम इज चेंज डेफिनेटली। नहीं बिल्कुल, आपने काफी विस्तार में बताई सर। इसके साथ ही कनेक्टेड एक और सवाल पैदा ये हो जाता है कि एक तो जनरल में अगर हम समस्याएं देखते हैं तो चैलेंजेस बिफोर हायर एजुकेशन, खासकर क्योंकि आप हायर एजुकेशन में पिछले कई जमानों से रहे हैं, तो आजकल की चुनौतियां कौन सी हैं हमारी उच्च शिक्षा या आला तालीम के आगे, कि किन किन चीजों को लेके खासकर एक वाइस चांसलर जो है उसको देखना पड़ता है, कुछ चैलेंजेस का बताइए सर। बहुत बड़ी आपने अभी शिक्षा नीति की बात हुई, मेरा ये मानना है कि शिक्षा नीति कब खराब थी, 1968 में कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है पूरी, 1986 में बहुत अच्छी बात कही गई थी, अब 2020 में कस्तूरी रंजन ने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी, और अभी भी हम शिक्षा नीति की बात करते हैं। इस देश में इम्प्लीमेंटेशन की समस्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। पॉलिसी बहुत अच्छी 6% की बात तो जीडीपी की पहले भी की, लेकिन किसी सरकार ने 6% खर्च नहीं किया। इसका परिणाम ये होगा कि आज शिक्षा नीति हमारी उच्च शिक्षा चौराहे पर खड़ी है, उच्च शिक्षा के सामने बहुत चुनौतियां हैं। मैं आज जिस यूनिवर्सिटी में हूँ मुझे दुख होता है, हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेट ही नहीं है, 10% बच्चों के पास सुविधा नहीं है। आज समाप्त हो रहे हैं कॉलेजेस, एग्जाम नहीं होंगे, पहले हमने एग्जाम से आगे बढ़ा दिए, अब लड़का बड़ा चिंतित है हम कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी बात है डिसास्टर मैनेजमेंट ही, हमको पता नहीं था कोविड आ सकता है, हमने क्या व्यवस्था की हायर एजुकेशन में कि इस तरह का डिसास्टर होने पर हम किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा देंगे। द टाइम हैज कम, नीति की बहुत अच्छी बात हम करते हैं, इस नीति में भी बहुत अच्छी बातें, फ्री एंट्री और एग्जिट है, हम 2035 तक 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो करने की बात कर रहे हैं। कागजों पर तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहार में हम यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, फैकल्टी शॉर्टेज इज द बिगेस्ट चैलेंज। हमने 24 बैच क्रेडिट सिस्टम की बात की, अरे भाई 24 बैच क्रेडिट सिस्टम तो तब लागू होगा ना जब सारी फैकल्टी होंगी, फैकल्टी कोर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए नहीं है, वे हैव ओपन्ड कॉलेजेस, टीचर नहीं है, गेस्ट फैकल्टी है, इट हैज बिकम द फैशन परेड। प्राइवेट कॉलेजेस अपनी लड़कियों को रख लेते हैं, एडमिशन हो जाते हैं, उसके बाद उनको कोई लेना देना नहीं है, लड़का भी देखता है कि फ्री हूं। तो मेरा तो ये मानना है कि जो भी एम्बिशियस इस शिक्षा नीति में बताया है वह केवल मात्र कागजों पर है, और सबसे बड़ी बात तो पीएचडी की, यूजीसी ने कह दिया कि रिटायर्ड आदमी कैन नॉट डू रिसर्च, वो नहीं करवा सकता रिसर्च। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, फैकल्टी शॉर्टेज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, तब कैसे होगी रिसर्च। और इधर आप मैंडेटरी कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर शुड हैव द पीएचडी मिनिमम, दीज आर सो कॉल्ड पीएचडीज, आई कैन टेल यू
Even the supervisors are not competent enough to conduct the research. How this research will come out or mandatory किए जा रहे हैं उसको. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज. आज एक लो का टीचर बनता है, क्यों नहीं उसको 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद उसको कहे देन यू कैन बिकम ओनली द टीचर इन द लॉ फैकल्टी रादर देन नेट. नेट से क्या हो जाएगा उसका. प्रैग्मेटिक अप्रोच. आज हम ये बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी लिंकेज विद एकेडमी एंड इंडस्ट्री. कहां बात हो रही है. आज हम वोकेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की बात कर रहे हैं. जैसे मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी में हूँ, माई फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंजर्व द हेरिटेज ऑफ द ट्राइबल पीपल. सो आई एम प्लानिंग टू हैव द ट्राइबल म्यूजियम इन अवर यूनिवर्सिटी. ट्राइबल आर्ट, ट्राइबल थिएटर. देर आर गुड एक्टर्स हियर, दोज आर वर्किंग इन द मुंबई एंड एवरी अदर प्लेसेस. तो हमारी यूनिवर्सिटी एक आज विल हैव द ट्राइबल थिएटर, ट्राइबल म्यूजियम एंड जो हमारे यहाँ विलुप्त हुई एक शाखा है, शांकायनी शाखा. वर्ल्ड में कहीं नहीं, केवल बांसवाड़ा में उसको पढ़ने वाले हैं. तो यूनिवर्सिटी इज ट्राइंग टू प्रिजर्व ऑल दीज थिंग्स. और उसके लिए रिसर्च एक तो देयर शुड बी ए प्रैग्मेटिक एंड लोकल ओरिएंटेड रिसर्च. हम बड़ी बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, अभी लोकल प्रॉब्लम्स को यू सॉल्व. सो वी हैव डिसाइडेड इन आवर यूनिवर्सिटी के द सब्जेक्ट्स ऑफ द रिसर्च वुड बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी. थ्रस्ट एरिया वुड बी डिसाइडेड एंड देन ओनली द कैंडिडेट्स कैन डू रिसर्च ऑन द पर्टिकुलर एरिया. तो चैलेंजेस तो इतने अधिक है कि आप इसको एंट्री एग्जिट है, क्रेडिट ट्रांसफर है. अब आप बताइए ऑटोनोमस कॉलेज. ऑटोनोमस कॉलेज का सिस्टम तो फेल हो चुका है. राजस्थान में पहले भी गवर्नमेंट ने किए था. नोबडी बिलीव द डिग्री ऑफ द ऑटोनोमस कॉलेज. नौकरी हो जाती है, सब ने कहा हमको तो वापस विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दो. सो विदाउट टेकिंग द पास्ट एक्सपीरियंस इफ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स द वेरी बिग चैलेंजेस आर बिफोर द कंट्री एंड हायर एजुकेशन. आई कैन बेट यू सर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन. जिस देश में इतनी बड़ी पॉवर्टी हो, रिच और पुअर का जो खाई बढ़ती जा रही है, और एजुकेशन कुछ के लिए तो बहुत ही है, सारा नेट उसको मिल रहा है, सब गूगल पे सर्च कर रहा है. एक दूसरा गरीब है वो टुकुर टुकुर उसको देख रहा है. अनलेस एंड अनटिल द एजुकेशन इज नॉट गिवन टू दैट पर्टिकुलर एरिया, आई डोंट थिंक यू कैन नॉट अचीव द सक्सेस और द टारगेट विच यू हैव डिसाइडेड. वेरी करेक्ट सर. हमारे देश के अंदर जो है, खासकर हायर एजुकेशन में हम नोट करते हैं कि मान लीजिए यूनिवर्सिटीज ही हैं, कितनी विषमताएं हो जाती हैं. मान लीजिए कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, लॉ यूनिवर्सिटी वगैरह 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 वगैरह. और एक आपने बड़ी बात अभी बताई कि हमारे पास जो फैकल्टी ही नहीं है. हमारे देश के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में देखा जाए तो वहां पर जगहें खाली पड़ी हुई हैं. जब फैकल्टी अच्छा, कोई कहीं कहीं ये भी देखने आया है कि अगर फैकल्टी लगा रहे हैं तो कोई साइंस का है तो वो कॉमर्स को पढ़ा रहा है, कॉमर्स वाला जो आर्ट्स को पढ़ा रहा है. ये खुलम खुला है, इस पे कुछ क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत अच्छी बात की आप. जैसा आपने कहा था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, अब आप देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत पैसा खर्च हो रहा है जी. फैकल्टी की प्रॉब्लम भी वहां है. और कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? स्टेट यूनिवर्सिटीज आर केटरिंग द 90% स्टूडेंट ऑफ द कंट्री. फैसिलिटीज वाइज दे आर गेटिंग ओनली 10% ऑफ द एड. सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करने की आज आवश्यकता है देश में स्टेट यूनिवर्सिटीज. आई विल गिव वेरी ग्लेरिंग एग्जाम्पल. मैं बस सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में था तो हमारे वहाँ IIM भी चलता था जी. बिल्कुल एक हमने बिल्डिंग दे रखी थी उनको टाइम भी. एक फैकल्टी IIM में क्लास लेता था, उसको खिलते मिलते थे 10,000 रुपए पर आवर जी. और वो उस बिल्डिंग के इधर हमारे FMS में आ जाए, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में वो क्लास ले तो उसको मिलेंगे 1,000 रुपए पर आवर. तो यू सी दिस डाइकोटोमी. कितने लड़के जो हैं आज IIM से पढ़ने वाले, दे आर केटरिंग द नीड्स ऑफ द कंट्री. दे आर मल्टीनेशनल कंपनीज को सर्व कर रहे हैं. हमारा लड़का जो यहाँ से पढ़ के निकलता है, इफ द सेम फैसिलिटीज गिवन टू दीज स्टूडेंट्स, ये ज्यादा देश की सेवा कर पाएंगे. दे कैन गिव बेटर रिजल्ट्स टू द नेशन इन कंपेरिजन टू IIM. तो ये जो डिफरेंसेज है ना, जो फ्रस्ट्रेशन सोसाइटी में है, वो इस कारण से है कि एक उधर है तो उसको इतना पैसा मिल रहा है, किधर है तो उसको ऐसा. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बहुत फैसिलिटीज है. स्टेट यूनिवर्सिटीज आर स्ट्राइविंग फॉर द फंड्स. यूनिवर्सिटी बन जा रही है वहां पर, आज फैकल्टी नहीं है. कॉलेजेस खुल गए, फैकल्टी नहीं है वहां. स्कूल बिल्डिंग्स में कॉलेजेस चल रहे हैं और जीरो फैकल्टी से एग्जाम भी हो रहे हैं. तो ये कैसे क्या हो रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है. और हायर एजुकेशन में अनटिल एंड अनलेस, मेरा देख ही बज वर्ड है, जब तक स्टेट यूनिवर्सिटीज को आप स्ट्रेंथन नहीं करके, रियल मानने में उच्च शिक्षा का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता है. क्योंकि यही बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है. और फैकल्टी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए. इट शुड नॉट लेफ्ट टू द यूनिवर्सिटीज. अगर उच्च शिक्षा आयोग बनने की बात इसमें कही है, बहुत अच्छी बात कही है. उच्च शिक्षा आयोग नेशनल लेवल पर, जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हो गई है, वैसे नेशनल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो जाए.
और वह टीचर्स का सिलेक्शन करे जिसकी जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसी वो निकाल दे, ज्यादा से ज्यादा द वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी शुड देयर सिट देयर एज द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। तो आप देखें तो कुछ फर्क पड़ सकता है इसमें। अभी तो फैकल्टी न तो मिल रही है, देर आर सो मेनी रीजंस ऑफ नॉट रिक्रूटिंग द पीपल। कुछ वाइस चांसलर तो चाहते ही नहीं, ये सबसे बड़ा हेड है कि अपना तो 3 साल का टाइम निकालो, एम्प्लॉयमेंट में पड़े नहीं, रोजगार देने के पड़े नहीं, अपने ये किया नहीं, रिक्रूटमेंट और आप प्रॉब्लम में आ जाओ। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि कोर्ट केसेस। तीसरा, देर इज नो क्लियर कट पॉलिसी अबाउट द रोस्टर। और चौथी बात यह है कि कोर्ट केसेस हो जाते तुरंत होते ही। तो इन सब बातों से सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे। अच्छा। और इसका परिणाम ये हो रहा है सर जी, इसका परिणाम ये हो रहा है कि हम फैकल्टी के बिना तो नहीं चला सकते। मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, वाणिज्य कॉलेज हमारा है सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जी। 1954 से दो सेक्शन चल रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर कॉमर्स, और आज होगी 2020 दो ही सेक्शन है, लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज चालू हो गए। आज इट इज द नेम सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज बिकम वेरी प्रेडमेंट। 100 गेस्ट फैकल्टी पढ़ाती है, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट टू डिलीवर द गुड्स बाय द गेस्ट फैकल्टी। और इस तरीके से जब हायर एजुकेशन चल रही है तो इन सब चीजों को गहनता से अध्ययन करना चाहिए। केवल मात्र हम कागज पर अच्छी नीति लग रही है, फाइनेंस पे कर देंगे, रिसर्च पर ये कर देंगे, इतना करोड़ रुपए लगा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव द विजनरी आइडिया बट वी डोंट हैव द रोड मैप। द नीड ऑफ द आवर इज टू हैव द रोड मैप, हाउ यू विल इंप्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट हैव द रोड मैप, यू कैन नॉट हैव द बिग विजन। बहुत बड़े विजन से काम नहीं चल सकता है, विजन थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकली यू हैव टू गिव द रोड मैप टू द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। हर यूनिवर्सिटी का एजेंडा डिफरेंट होता है। मैं भी बीए दे रहा हूँ, दूसरा भी बीए दे रहा है। आज सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जब मैं था तब ये बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी इसका पार्ट थी। व्हेन आई वाज द वाइस चांसलर 6 डिस्ट्रिक्ट्स वर विथ मी, 7 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ इट हैज बीन सेपरेटेड एंड वन मोर यूनिवर्सिटी इन द नेम ऑफ द गोविंद गुरु जनजाति यूनिवर्सिटी विद द 3 डिस्ट्रिक्ट्स। इससे क्या फर्क पड़ गया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल वी रन द ट्राइबल कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो इनको दे सके ना। हां, लोकल नीड बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए। यस, नीड बेस्ड ट्राइबल वाइड लाइफ है, रूरल टूरिज्म हमारे यहाँ हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी जैसे बताया कि अब थोड़ी देर पहले बता रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट का ले लीजिए, देखिए जी, एजुकेशन, रिसर्च, एक्सटेंशन, ये 3 बड़ी बातें हैं जो कि पूरी तरीके से होलिस्टिकली हम देखते हैं एजुकेशन का पार्ट। रिसर्च के बारे में हम जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज या उसकी अवेयरनेस, जब तक कोई आपदा नहीं आ जाएगी तब तक आदमी अवेयर नहीं होता और उसके लिए काम नहीं करते हैं। एक तो उसके लिए रिसर्च की जो खास एक बड़ी कमी है हमारे कंट्री में, सर रिसर्च के बारे में एक जानना चाहूंगा। अब जैसे मान लीजिए कोरोना काल ही है, अब इसके बारे में अगर बहुत अच्छी तरीके से सालों पहले ही कुछ रिसर्च स्टार्ट की जाए, अब जैसे कोरोना का अगर हमारा 1.25 साल से हुआ है तो आगे तक के लिए अगर सोच लिया जाए, वैक्सीनेशंस की प्रॉब्लम है या और किसी वायरसेस की पहचानना है, हमारे पास 1 से 1 लोग हैं सर जो कि अनुसंधान के अंदर शोध में अपना काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कमी जो है, इन रियलिटी जो है, we have been facing quite a lot amongst our colleges and universities. ek national research foundation ke liye bhi bataya gaya, lekin jo aap implementation ki baat kehte hain, pehle aapne bataya wo ek mushkil ho jata hai, to research mein hum bahut weak hai sir, is pe kuch kehna chahiye? Yes sir, please. Bilkul sir, research ke nahi hone ke karan hi humne kya kiya, covid aaya humne kaha is saal examination postponed, temporary arrangement, pichle saal humne kiya sabko ek class aage badha do और ये सॉल्यूशन हो गया। दे शुड हैव थिंक कि फिर इस साल के दिया, अब फिर एग्जाम नहीं होंगे। तो दीज आर दी शॉर्ट टर्म मेजर्स। आपको देखना चाहिए था कि हमको इसके साथ जीना है, अब हमको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। सब बच्चों को लैपटॉप दो, ग्रामीण बच्चे हैं तो उनको आप इंटरनेट की सुविधा दो। एक पर्टिकुलर विलेज में आप कम्युनिटी कॉलेजेस की बात कर सकते हैं, वहां एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी कर दें कि बच्चे वहां करके इंटरनेट का यूज करें और ये सारी की सारी टेबलेट उनको दें, मोबाइल उनको दें। हम जिस बात के लिए बहुत अधिक चिंतित हैं ऑनलाइन की, अब देयर इज आई थिंक इट इज नेसेसिटी नाउ। हमने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एग्जाम पोस्टपोन कर दी, प्राइम मिनिस्टर हैज टू इंटरवीन और कहा कि परीक्षा नहीं होगी। मतलब आप जिसका बच्चा पढ़ रहा है, जिसका की कैरियर है, जो इंजीनियर बनना चाहता है, उसके साथ क्या बीत रही है? क्योंकि हमने डिजास्टर मैनेजमेंट ये सोचा नहीं कि यदि इस वक्त की आपदा आने पर हम कैसे बच्चों को एग्जाम देंगे। ऑनलाइन एग्जाम हो सकता था, यदि आपने तैयारी की होती, बच्चों को सारी सुविधाएं दे देते तो उसमें क्या दिक्कत थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एग्जाम हो रहे हैं ओपन बुक से, आई थिंक इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ओपन बुक से लड़का एग्जाम दे रहा है ऑनलाइन, और लड़के को पसीना आ जाता है उस क्वेश्चन का आंसर देने में, किताब है लेकिन कहां से लाएगा। तो ये आपदा प्रबंध इस तरह के किया जा सकता था कि बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन दें,
उनको या तो ओपन बुक सिस्टम कर दें या उनको शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन करें, लेकिन उनके सुविधा और इनकी जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उस पर डीप रिसर्च भी होनी चाहिए और इसके लिए कोई कॉन्टेस्ट हम यूनिवर्सिटी में हमारी कर रहे हैं, हमने अभी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हम एक बहुत बढ़िया प्राइज दे रहे हैं 1,00,000 रुपए का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे बहुत अच्छा रिसर्च पेपर लिख करके हम ब्लाइंड इवोल्यूशन कराएंगे और उसको 1,00,000 रुपए का प्राइज देंगे। तो ये सब चीजें एफर्ट्स हम कर रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी छोटी है अभी, हिंदी इट इज इन द इन्फेंट स्टेज, बट आई बिलीव के वी विल डू सो मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस। अच्छा सर, एजुकेशन हमने डिस्कस करा, हमने रिसर्च पे भी थोड़ा देखा, एक बात के लिए विशेषकर आपका रोल उस पर बहुत ही माना जाता है सर, वो एक्सटेंशन सर्विसेज है। क्योंकि देखिए, किताबी शिक्षा का ज्ञान जो है, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ लिया, चलिए रिसर्च भी कर ली, लेकिन अलावा इसके बहुत कुछ और होता है जो कि एक समग्र रूप में विकसित एक पर्सनैलिटी होती है या व्यक्तित्व होता है जैसे हम कहते हैं, तो उस शाइस्ता पर्सनैलिटी को, शाइस्ता में उर्दू का वर्ड इसलिए कह रहा हूं कि उसका अगर मीनिंग देखा जाए पोलाइटनेस होती है या आपके अंदर बहुत खूबसूरती इस तरीके से होती है कि आप बात भी कह रहे हैं तो ऐसे लग रहा है फूल बरस रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं या आप फुल्ली स्किल डेवलप्ड हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये टोटल एक पर्सनैलिटी एक मुस्कुराहट के साथ होती है। तो बजाय इसके कि मैं एक्सटेंशन सर्विस का अभी आपसे डिस्कस करूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, शैलेंद्र जी का गाना मैंने आपसे बहुत पहले सुना था, अनाड़ी पिक्चर 1959, राज कपूर जी पे फिल्म आया गया था, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, प्लीज सर इसको सुनाइएगा सर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना उसी का नाम है, जीना उसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल से हम अमीर हैं, माना अपने जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल से हम अमीर हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो जिसके जिंदगी, जीना उसी का नाम है। वेरी वेरी नाइस सर, बहुत बहुत मुबारक सर, कितना जिंदा दिली से आप गाते हैं, पैगाम देते हैं। खास मैं ये कहूंगा जितने सुनने वाले नाजरीन के अलावा वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, डीन, प्रोफेसर्स, फैकल्टी, इस तरीके से गाना गा के एक दूसरे को मैसेज दें तो सब एक मुस्कुराहट, यानी एक सिंगिंग कम्युनिटी बन जाएगी। तो सिंगिंग कम्युनिटी बनाने के लिए या सिंगिंग यूनिवर्सिटी या सिंगिंग कॉलेज में एक सिंगिंग वाइस चांसलर की जरूरत है। तो ऐसे जितने हमारे सुनने वाले दर्शक हैं, विशेषकर वीसीस, वो कम से कम गाना जरूर कहें, विट और ह्यूमर का यूज करें। बल्कि एक्सटेंशन सर्विसेज के बारे में सर अभी आपसे बात हो रही थी, तो आपने बड़े फेस्टिवल्स कराए और ये फेस्टिवल्स मेरा ख्याल है म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी एक्टिविटीज, एजुकेशनल वैल्यूज, ह्यूमन कल्चरल वैल्यूज वगैरह वगैरह, इन तमाम को प्रमोट करती है। हमारा कंट्री तो पिछले 5,000 साल की एक इस विरासत है सर, हमारी जो कि इतनी बड़ी संपदा है, तो इस हेरिटेज को चेरिश और नरिश और आगे बढ़ाने के लिए आपने कई फेस्टिवल कराए। एक फेस्टिवल मुझे याद है 2011 की बात है, आपने इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट जोन यूथ फेस्टिवल कराया जिसमें 45 यूनिवर्सिटीज के करीबन 1,500 छात्र आए और वो 1,500 छात्र अपने इंटर कॉलेज से पहले उन्होंने कंपटीशन करा, फिर आपके इधर आए, तो पूरी वेस्ट जोन की यूनिवर्सिटीज एक हफ्ते तक का फेस्टिवल चला। और उसके साथ ही एक और बड़ी इवेंट आपने अगले साल में कर डाली, वो थी 2012 में सर, वो आपने साउथ एशिया की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, सॉफेस्ट, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल, सॉफेस्ट इसका एक्रोनिम है, तो जनूबी एशिया से जितनी हमारी ये जो यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स बल्कि आर्टिस्ट आए, उन सबके आपने फन का मुजाहरा करा, म्यूजिक, डांस, थिएटर, और ऐसा पैगाम दिया कि भाई सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, किताबी शिक्षा से के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप एक शेयर करें मैसेज अपनी मुस्कुराहट के साथ, एक आपके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पैदा हो, स्टेज पे कैसे चढ़ते हैं, माइक कैसे हैंडल करते हैं,
एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ मुस्कुराते कैसे हैं, एक दूसरे को नमस्कार कैसे करते हैं, एक दूसरे की पोशाकें देखते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, दोस्तियां पालते हैं, ये एक पैगाम है। इस पे कुछ आपका कमेंट? बहुत अच्छी बात आपने की, एक्सटेंशन का तो बहुत बड़ा रोल है, टीचिंग रिसर्च और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्टिविटी जब तक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं वो उसके बिना आ ही नहीं सकता है। जिस लड़के ने कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो बच्चे भाग लेते हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनका मैंने देखा दे तो वेरी बिग पॉजिटिविटी, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होती। तो मेरा तो ये मानना है कि शिक्षा के साथ इट शुड मेड कंपलसरी। और मैं हमेशा कहाँ करता हूँ डेविड साहब, आपको देख के कहता हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे सुल्फ सुनहरा, तेरी जवानी तोबा तोबा ये दिल रुबा, वो दिल रुबा। क्या बात है आपके लिए तो आप ऑन द स्पॉट ऐसा बनाते हैं कि एकदम स्पॉन्टेनियस बातचीत निकालते हैं सर। आपके से बहुत learn, we learn so many things from you. Really. Thank you very, very much, sir. आज भी आपने ये सब जो किया है, marvelous. जी, अच्छा सर, आखिरी में ये बताइएगा कि इन टोटेलिटी जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में हमने डिस्कस करा, कई बातें छूट गई हैं, लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, इस इंटरव्यू को तमाम दुनिया वाले देखेंगे और वो देखेंगे कि एक ऐसा वाइस चांसलर है जो कि हमेशा हंसता है, मुस्कुराता है और सीरियस बातें करता है साथ साथ। ऐसी पर्सनैलिटी को इमिटेट करना चाहिए, इसकी कॉपीज बननी चाहिए ताकि तमाम लोग इसको सीखें और अपने सीरियस मैसेज को, लर्निंग विद फन जिसे कहते हैं, वो होना चाहिए। काश हमारे वाइस चांसलर, एकेडमिशियंस जो हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे तमाम ऐसे लोग जो कि बनाते हैं हमारी पॉलिसीज एजुकेशन, उनको एक कंडीशन ये होनी चाहिए, आप मुस्कुराइए और एक मुस्कुराहट के साथ, सीरियसनेस के साथ, एक दोस्ताना ताल्लुकात से एक अच्छी पर्सनैलिटीज को आप पेश करते हुए आप अपना पैगाम दीजिए और अपने वतन को, अपनी दुनिया को एक वर्ल्ड पीस, हार्मनी एंड जॉय एंड लव की फीलिंग के साथ आप बांटिए। आखिर में मैं जानना चाहूँगा सर, कोई आपके मन में कोई ऐसी बात हो जो आप हमारे दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमको हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी या ऑलराउंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी के लिए, विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? एक बात है सर, आप डेविड सर आपने बहुत अच्छी बात की कि मैं बहुत ही लकीस्ट आदमी, बहुत दुनिया के जो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है उसमें मैं हूँ, जिसको कि अपनी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों में काम करने का मौका मिला। मेरी कर्म भूमि उदयपुर रही, जहां मैंने फर्स्ट ईयर से लगा करके मैंने पीएचडी की, वहां मुझे वाइस चांसलर रहने का मौका मिला। और अब जब रिटायरमेंट के बाद मैं इमेजिन नहीं कर सकता था, शायद मेरे लिए यूनिवर्सिटी बनी कि दूसरी यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा में बनी जहाँ मेरी जन्मभूमि है। तो ऐसे एक व्यक्ति को जिसको कि कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों में कुलपति रहने का मौका मिले, मेरे ख्याल से बहुत बिरले होंगे। यदि आप इस प्रकार की रिसर्च भी करेंगे तो वेरी एक्सेप्शनली फ्यू पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मैसेज केवल एक है, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि आदमी को पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी जिसको हम कहते हैं, इनोवेशन, नई नई सोच और लीडरशिप। लीडरशिप आप आदमी को हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अदर्स। मैंने हमेशा देखा है कि राइट आदमी को राइट काम दिया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। आप पता नहीं कैसा एवेल्युएट करते हैं, मैंने इतनी एक्टिविटीज की, आपने मुझे देखा है, तो आप पाएंगे कि सही आदमी को, राइट पर्सन को राइट वर्क देने से सारा काम ठीक हो जाता है। एंड विदाउट इल इंटेंशन आप किसी को करिए, आपके मोटिव्स, आपके जो इरादे हैं, उद्देश्य हैं और नेक होने चाहिए, तो भगवान भी आपकी मदद करता है। जो थ्रेड बिकम्स इन अपॉर्चुनिटी, जो आपको चुनौती लगता है वो एक अवसर बन जाती है और एक बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर सकते हैं। लास्ट मेरा एक बहुत अच्छा गाना है, वो मैं सुना के इस बात को खत्म करता हूँ। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रस्ते में है उसका घर, पहली दफा मैंने जब उसको देखा तो आंखें गई थी ठहर, रहती है दिल में मेरे, कैसे बताऊं उसे, मैं तो नहीं कह सका, कोई बता दे उसे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, उसकी गली
महडली कितनी ही शाम है मेरी, कैसे बताऊं मैं तुझे खुश हूं मैं इतने से ही, मैंने तरीके सो आजमाए, जाके उसे ना कुछ बोल पाए, बैठे रहे हम रात भर, मैं जब भी जाता हूँ सब भूल जाता हूँ, मिलती है जब ये नजर, ओ घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। Outstanding, sir, fabulous. This was one of the finest interviews that we had for the Bolte Aaine. दोस्तों तो ये हमारे साथ आज के इस महफिल में शरीक थे गेस्ट प्रोफेसर इंद्रवदन त्रिवेदी साहब उदयपुर से, वाइस चांसलर साहब वीसी साहब, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं तमाम बोलते आईने के तमाम दर्शकों की ओर से, और एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी और एक दूसरी महान शख्सियत के साथ अगली एपिसोड में बोलते आईने में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बोलते आईने।